इन वन मिनट इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन दाइप इज थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब कह रहा है कि एक पाइप है और उस पाइप से कितना हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर जो है फ्लो आउट हो जाएगा बाहर निकल जाएगा एक मिनट में इन वन मिनट एक मिनट में जो है कितना इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा यदि क्या दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर का दे दिया है क्रा सेक्शनल एरिया क्रास सेक्शन के एरिया का मतलब क्या होता है कि पाइप का जो ये सर्कुलर रीजन का एरिया होता है ना सर्कुलर एरिया ये वाली जो एरिया है यही एरिया दे दिया है मतलब एरिया ऑफ द बेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप एरिया ऑफ द बेस ऑफ द दिलेंड्रिकल पाइप इज गिवेन एज फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इसी को बोलते हैं सेक्शनल एरिया ठीक है मतलब कि पाइप को यदि बीच में से काटेंगे तो वही एरिया आएगी ना जो उसका बेस का एरिया होगा एक्जैक्टली उतना ही होगा तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस सिलेंड्रिकल पाइप का बेस का एरिया दे दिया है फाइव सेंट्रीमीटर स्क्वायर अब कह रहा है कि एक मिनट में कितना वाटर इसमें से बाहर निकल जाएगा यदि स्पीड ऑफ वाटर थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड हो तो, तो ये थर्टी सेंटीमीटर पर कर सेकेंड होने का कहने का मतलब क्या है स्पीड ऑफ वाटर का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि थर्टी सेंटीमीटर मान लीजिए कि ये हमने पाइप का जो बनाया है लेंथ ये मान लीजिए कि थर्टी सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो ये थर्टी सेंटीमीटर लेंथ का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वह एक सेकंड में बाहर निकल जा रहा है मतलब इस पाइप का जो ये इंड है इस इंड से बाहर निकल जा रहा है थर्टी सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर थर्टी सेंटीमीटर लेंथ का जो पाइप है उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो निकल जा रहा है एक सेकेंड में ये स्पीड दिया हुआ है ठीक है मतलब कि हम वन सेकंड में कह सकते हैं कि वन सेकंड में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है बाहर निकल जा रहा है तो बोला है कि वन मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा लीटर में बताइए और सेक्शन का एरिया दे दिया है फाइस स्क्वायर मतलब कि एरिया ऑफ दी बेस दे दिया है इसका इस सिलेंडर का एरिया ऑफ दिया है मतलब इसका एरिया दे दिया है तो बहुत आसान हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे एक सेकेंड में कितना ये जाएगा सोल्यूशन तो पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इन उट ऑफ दाइप ऑफ दाइप इन वन सेकेंड पहले निकाल लेते हैं वन सेकेंड में उसके बाद से थर्ड वन मिनट में निकाल लेंगे वन मिनट मतलब कि सिक्सटी सेकेंड्स में निकालेंगे तो वन सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा बाहर तो जितना इस पाइप का मतलब थर्टी सेंटीमीटर लेंथ वाले जो पाइप का जो वॉल्यूम होगा उतना ही एक सेकेंड में बाहर निकल जाएगा तो हम यहां निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच और पाई की वैल्यू जो है ट्वेंटी टू बाई सेवन यूज करेंगे इनटू आर की वैल्यू रेडियस नहीं दिया हुआ है तो एक बात यहां पर समझ लीजिए पहले पाई आर स्क्वायर ये जो है एरिया ऑफ सेक्शन है पाई आर स्क्वायर स्क्वायर मतलब दी कि एरिया ऑफ द बेस कि एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ये जो हाइट है ना इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द पाइप यही जो है लेंथ ऑफ दी पाइप आप कहेंगे ठीक है तो एरिया ऑफ द बेस मतलब एरिया ऑफ द क्रैश सेक्शन क्या दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा ये कंप्लीट पाई पाया स्क्वायर दे दिया फाइव इन टू एच कितना है सेंटीमीटर में थर्टी लेंथ ऑफ पाइप मीन्स आगे आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइव थी जाए फिफ्टीन वन फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब वन सेकेंड में जो है वाटर फ्लोट हो जा रहा है अब निकालना है कि वन मिनट में कितना फ्लोट होगा तो अब यहां से निकल जाएगा सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट ऑफ द पाइप इन सिक्सटी सेकेंड्स ओके okay, तो सिक्सटी सेकेंड में कितना बाय में से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर देखिए वन सेकंड में यदि वन फिफ्टी निकल रहा है तो सिक्सटी सेकेंड में निकलेगा सिक्सटी इंटू वन हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब तो मल्टीप्लाई ले कर लीजिए फिफ्टीन सिक्स नाइन्टी होता है नाइन्टी होता है फिफ्टी सिक्स नाइन्टी और दो जीरो और हैं तो नाइन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो वन मिनट तो में इतना नाइन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बाहर निकलेगा लेकिन हमें निकालना है क्या है लीटर्स में लीटर्स में निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना पड़ेगा डेसीमीटर क्यूब में क्योंकि हम जानते हैं कि वन डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है वन लीटर और हम ये भी जानते हैं कि वन सेंटीमीटर बराबर होता है वन अपॉन टेन डेसीमीटर के और ये कैसे पता चला आपको ये सिक्वेंस याद कर लेना चाहिए सिंपल बता रहा हूँ मैं यहाँ पर वन किलोमीटर वन डेकामीटर वन डेकामीटर वन डेकामीटर सॉरी हेक्टोमीटर छूट गया यहाँ पे वन किलोमीटर वन हेक्टोमीटर एंड वन डेकामीटर फिर होता है वन मीटर फिर होता है वन डेसीमीटर फिर होता है वन सेंटीमीटर फिर वन होता है मिलीमीटर ठीक है तो जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं टेन टाइम्स कम होता जाता है तो यदि ऊपर से नीचे चेंज करना है तो टेन से डिवाइड करना पड़ेगा यदि नीचे से ऊपर जाना है तो टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पर देखिए वन सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है डेसीमीटर में तो वन सेंटीमीटर से वन सेंटीमीटर से डेसीमीटर करना मतलब ऊपर जाना है राइट तो ऊपर जाना है तो टेन तो से डिवाइड करना पड़ेगा ओके okay, हां ऊपर जाने में टेन से डिवाइड करना पड़ता है नीचे जाने पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर बराबर जो है टेन वन अपन टेन डेसीमीटर होगा तो यहाँ पे हो गया ऐसे यहां पे लिख लेते हैं नाइन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई यहां पे हो जाएगा वन अपॉन टेन डेसीमीटर का होल क्यूब मतलब थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा अपॉन डेसीमीटर क्यूब और यहां से देखिए वन थाउजेंड के तीनों जीरो जो है यहाँ पे जीरो सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएंगे मिलेगा नाइन डेसीमीटर क्यूब और नाइन डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया कि वन लीटर होता है तो हो गया नाइन लीटर यही आपका आंसर हो जाएगा कि नाइन लीटर्स ऑफ वाटर विल बी फ्लोन आउट फ्रॉम द पाइप इन वन मिनट दिस इज योअर फाइनल आंसर तो इन वन मिनट या यहाँ पर शीर सिंह ने मैंने वन मिनट भी ले सकते हैं इन वन मिनट आपका यही निकला है फाइनल आंसर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय